हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम पांचाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल खाओ खिलाओ में। आज की रेसिपी है क्रिस्पी और रसीली जलेबी की। लॉकडाउन होने की वजह से दुकानें तो बंद है, लेकिन अब बच्चों को कौन समझाए, बच्चे तो अपनी डिमांड करेंगे ही। तो बच्चों की डिमांड पर हम लेकर आए क्रिस्पी और रसीली जलेबियाँ जो बिल्कुल बाहर जैसी, और आज हम बनाएंगे इन्हें घर पर ही। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए मैंने ये 200 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 200 ग्राम इसमें दही भी डाल लेंगे। दही डालने से जलेबियाँ रसीली और टेस्टी बनेंगी। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। हमें इसे लगातार फेंटते रहना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें लम्स है तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मैदे का बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे फेंटते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेंगे। बेकिंग सोडा को कई जगह पर मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा को बैटर में डालने के बाद हमें बैटर को बिल्कुल भी नहीं फेंटना, बस बेकिंग सोडा को बैटर में मिलाना है। देखिए, बैटर में बबल्स आ रहे हैं, यानी दही इंस्टेंट ईस्ट का काम कर रही है। बस जलेबी का बैटर बनकर तैयार है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में डाल लेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी 700 ग्राम के आसपास है। अब हम इसमें एक बड़ा कप पानी डाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे लगातार फेरते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से मिल ना जाए। हमें अब गैस की फ्लेम को लो कर देना है और चाशनी को एक तार के होने तक उबालना है। अब हम मैदे के बैटर में फूड कलर डाल लेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर यूज किया है। फूड कलर को मैदे के बैटर में मिला लेंगे। अब हम चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेंगे। नींबू के रस से चाशनी जमेगी नहीं। ये देखिए, चाशनी थोड़ी गंदी दिख रही है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच दूध के डाल लेंगे। चाशनी में दूध डालने से दूध फट जाएगा और फटकर ऊपर आ जाएगा और साथ में गंदगी भी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, चाशनी उबलने लग गई है और चाशनी के ऊपर गंदगी भी आ गई है। इसे हम कड़छी की मदद से निकाल लेंगे। चाशनी की सारी गंदगी हमने निकाल ली है, अब ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हम बैटर को किसी पॉलिथीन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मैंने फॉर्चून रिफाइंड ऑयल की पॉलिथीन यूज की है। लॉकडाउन होने की वजह से मुझे तो पाइपिंग बैग मिला नहीं, अगर आपके पास हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। सारे बैटर को पॉलिथीन में ट्रांसफर कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल की पॉलिथीन में भी जलेबियाँ अच्छी बनेंगी और आसानी से बन जाएंगी। आप चाहे तो दूध की पॉलिथीन भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल की पॉलिथीन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ज्यादा बैटर आ जाता है। हमें मोटे रबड़ बैंड से इस तरह से पॉलिथीन को बंद कर देना है। हमें पॉलिथीन को रबड़ बैंड से बिल्कुल टाइटली बंद करना है। अगर रबड़ बैंड टाइट नहीं बंद करेंगे तो बैटर ऊपर से निकल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि मोटा रबड़ बैंड ही यूज करें, क्योंकि पतला रबड़ बैंड टूट सकता है। हमें इस तरह से जलेबी बनाने के लिए पॉलिथीन तैयार करनी है। अब हम जलेबियों को फ्राई करने के लिए तेल गर्म करेंगे। हमें रिफाइंड ऑयल का ही यूज करना और किसी ऑयल का यूज नहीं करना। और ये देखिए, चाशनी भी एक तार की हो गई है। अब हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हमने जो पॉलिथीन ली थी जलेबी बनाने के लिए, उसको कट कर लेंगे। इस तरह से कैंची से छोटा सा छेद करेंगे और इस तरह से ऑयल में डालते हुए बैटर को जलेबी की शेप दे लेंगे। जितनी कढ़ाई में एक बार में जलेबी आती है इतनी बना लेंगे। जलेबी को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जलेबियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई, अब हम इन्हें फटाफट चाशनी में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से चाशनी में बिल्कुल अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। जलेबी को हमें ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना, बस फटाफट से निकाल लेना है। अगर हम जलेबियों को ज़्यादा देर चाशनी में रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसी तरह से हम सारी जलेबियों को बना लेंगे।
सारी जलेबियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम जलेबियों के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल लेंगे और जलेबियों को रबड़ी के साथ सर्व कर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।